दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल। आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में। ये है यूनिट नंबर 5। इससे पहले हमने तीन टॉपिक्स कवर किए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 1, 2 एंड 4। यूनिट नंबर 3 है जो कॉम्प्रिहेंशन है। तो कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी आसान है, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसमें सीखने सिखाने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन आप बनते जाओगे। बट दिस इज मैथमेटिकल रीजनिंग, एक मेगा मैराथन की तरह, क्विक मैराथन की तरह, एक व्हाट वी से एक 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी लगभग लगभग, क्योंकि 1:30 के आसपास स्लाइड्स हैं, तो दैट विल टेक सम टाइम। बट हम शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो मैथमेटिकल रीजनिंग में ये आपके टॉपिक्स हैं जो कवर होने वाले हैं। ये टॉपिक जो हमने UGC की वेबसाइट से ये सिलेबस लिया हुआ है। सो टाइप्स ऑफ रीजनिंग सीखेंगे हम, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग सीखेंगे, रिलेशनशिप सीखेंगे, देन हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन सीखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस सीखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन सीखेंगे एंड परसेंटेज सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग सीखेंगे और उसके अलावा एवरेजेस सीखेंगे, राइट। सो इसी बात पे शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग से। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट डू वी मीन बाय रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता क्या है। सो रीजनिंग का बेसिक मतलब अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो किसी भी चीज़ को लॉजिक देना, किसी भी चीज़ को रीजन देना, किसी भी चीज़ को रैशनलाइज करना इज व्हाट इज रीजनिंग। सो व्हेन मेकिंग अ चॉइस और एड्रेसिंग एन इशू, रीजनिंग इज द एबिलिटी टू अप्रेज थिंग्स रैशनली बाय यूजिंग लॉजिक बेस्ड ऑन न्यू और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज करके किसी भी चीज़ को लॉजिक देना, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज रीजनिंग। रीजनिंग अलाउज यू टू बैलेंस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाइक एडवांटेजेस एंड कॉन्स ऑफ टू और मोर ऑप्शंस बिफोर डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट ऑप्शन और द वन दैट बेस्ट मीट्स योर गोल्स। मतलब सारे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन सबको समझ करके, एक कंप्लीट एनालिसिस करके बेस्ट जो डिसीजन लेना है आपके अपने गोल्स को मैच करते हुए। इट ऑल्सो असिस्ट यू इन सॉल्विंग डिफिकल्टीज, डीलिंग विद अनसर्टनटी, वेरीफाइंग क्लेम्स एंड केयरफुली असेसिंग सिचुएशंस टू इंश्योर दैट डिसीजंस यू मेक इज योर बेस्ट इंटरेस्ट। सो आप अपने बेहतरीन इंटरेस्ट के लिए आप अपने सारी चीज़ों को केयरफुली जो है वेरीफाई करते हुए, सारी चीज़ों को केयरफुली अंडरस्टैंड करते हुए अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कोई डिसीजन लें, दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज रीजनिंग, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ रीजनिंग, क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं रीजनिंग के जो हमें पढ़ना है, जो हमें सीखना है। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग। नाउ डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग इज अ मेथड ऑफ प्रूविंग अ थियरी और हाइपोथेसिस यूजिंग फॉर्मल लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब जो सदियों से चली आ रही चीज़ें हैं, जो थियरीज ऑलरेडी बिल्ट हैं, जो फॉर्मुलेज ऑलरेडी बिल्ट हैं, जो दुनिया ने जिन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को प्रूव करना, किसी हाइपोथेसिस को प्रूव करना पुराने लॉजिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस की मदद से। डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट्स विद अ हाइपोथेसिस दैट इज देन सपोर्टेड और डिसअप्रूव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस और रैशनल थॉट। मतलब आप पहले शुरू में प्रूव कर लेते हो, जैसे हमने बोल दिया कि सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है, तो ये आपका हाइपोथेसिस बिल्ड हो गया। अब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप जगह जगह जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बोल रहे हो मुंबई में भी सूरज ईस्ट में उग रहा है, दिल्ली में भी ईस्ट में उग रहा है, कोलकाता में भी ईस्ट में उग रहा है, आप बोल रहे हो जापान में भी ईस्ट में उग रहा है। तो सब जगह आपने कहीं ना कहीं जाकर के ऑब्जर्व किया और वही ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज करके आपने एक डिसीजन मेकिंग बनाया कि हाँ ये हाइपोथेसिस ट्रू निकल करके आ रहा है, राइट। तो दैट इज योर डिडक्टिव रीजनिंग, कि आप पहले कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ से शुरू करते हो, फिर उसको जनरलाइज करते हो कि हाँ सब जगह सेम ही चीज़ हो रही है, कोई एक थियरी है जिस थियरी को आपने टेस्ट किया या आपने बिल्ड किया, बाद में इवेंचुअली यू डिसाइड कि हाँ ये सब जगह प्रूव सही प्रूव हो रही है, तो ये एक एक्चुअल थियरी या एक एक्चुअल सिद्धांत बन जाता है, राइट। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ मार्केटिंग डिविजन फॉर एग्जाम्पल एनालाइजेस डेटा एंड कन्फर्म्स दैट देयर कंपनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इज यंग पेरेंट्स। They opt to give more of the marketing money to social media channels that target that category based on their information. तो आपने एक ऑब्जर्व करके आपने एक चीज़ जनरलाइज किया है, उस हिसाब से आप जो है अपना मार्केटिंग बजट एलोकेट कर रहे हो, आप यूज़ करते हुए नजर आ रहे हो, राइट। दैट इज़ योर डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम एक टर्मिनोलॉजीज बहुत लाइक ईजिली यूज़ करते हैं, दैट इज़ इसको बोलते हैं हम कहीं ना कहीं आप क्या हो रहा है चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं आप उनको जो है कहीं ना कहीं डिड्यूस करते जाते हो। आप डिड्यू अगर हम साइमल्टेनियसली बोले तो डिड्यूस को आप छोटा छोटा करते जा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं पहले आप इन जनरल बात कर रहे होते हो, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर में आ जाते हो, तो जनरल टू पर्टिकुलर वाला सिद्धांत यहाँ पर यूज होता है, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जस्ट थोड़ा सा उससे अलग है डिडक्टिव से। सो टू वैलिडेट ऑब्जर्वेशंस इंडक्टिव रीजनिंग एम्प्लॉयज थियरीज एंड अजम्पशंस। इट्स द polar opposite of deductive reasoning in that it requires deducting a general rule from a specific class or cases.
तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि डिडक्टिव में आप जो है कहीं ना कहीं जनरल टू पर्टिकुलर आ रहे हो, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हो। तो आप कहीं ना कहीं इसमें भी सेम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो, अजम्पशंस एंड थियरीज को यूज़ कर रहे होते हो, बट आप थोड़ा उल्टा आप क्यों चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पे ऑलरेडी हो और स्पेसिफिक से चीज़ों को जनरलाइज कर रहे हो। आप इसमें चीज़ों को इंडक्टिव मतलब चीज़ों को इंडक्ट करते जा रहे हो, आप चीज़ों को इंक्लूड करते जा रहे हो, राइट? बिकॉज इट एम्प्लॉयज कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू मेक वॉट वी से जनरलाइजेशन। द आउटकम्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग आर नॉट ऑलवेज सर्टन। नाउ वॉट हैपन्स इज कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी कि नहीं आएंगी पता नहीं। एक्स्ट्रापोलेशन, फोरकास्ट एंड पार्ट टू होल आर्ग्यूमेंट्स और आर बेनिफिट फ्रॉम इंडक्टिव रीजनिंग। तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी कि नहीं आएंगी, यू नेवर नो। तो यू नीड टू कंसिडर ऑल दोज एस्पेक्ट्स, यू नीड टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स वेन इट कम्स टू इंडक्टिव रीजनिंग। अगली जो टाइप ऑफ रीजनिंग है दैट इज कॉल्ड एज एनालॉजिकल रीजनिंग। नाउ एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, जब चीज़ों को आप एनालाइज करते हो, एक दूसरे से कंपेयर करते हो। एनालॉजिकल रीजनिंग इज अ स्टाइल ऑफ रीजनिंग दैट लुक्स फॉर सिमिलैरिटीज बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड देन यूजेस दोज सिमिलैरिटीज टू फाइंड दोज प्रॉपर्टीज दे शेयर। इट इज़ बेस्ड ऑन दी ब्रेन्स टेंडेंसी टू नोटिस पैटर्न्स एंड मेक कनेक्शन। तो आप कहीं ना कहीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, दो चीज़ों को देख रहे हो कि हाँ ये ऐसी है तो दूसरी चीज़ भी ऐसी है, और दोनों को कंपेयर करके उनके बीच में जो है रीजनिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉजी। तो आप एनालॉजी जब एस्टैब्लिश करते हो, एनालॉजी के बेस में रीजनिंग देते हो, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉजिकल रीजनिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीजनिंग दैट इज कॉल्ड एज एबडक्टिव रीजनिंग। एबडक्टिव रीजनिंग इज अ स्टाइल ऑफ रीजनिंग दैट रीचेज अ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। एबडक्टिव रीजनिंग इज सिमिलर टू इंडक्टिव रीजनिंग बट इट अलाउज यू टू मेक द ग्रेटेस्ट एस्टिमेट टू गेट द सिंपलेस्ट कंक्लूजन्स। एबडक्शन कैन हेल्प विद बोथ ट्रबल शूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्पेशली वेन डीलिंग विद अनसर्टेंटीज। तो एबडक्टिव रीजनिंग जो है ये इंडक्टिव रीजनिंग का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं कि आपको बहुत सारे फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत सारे व्हाट वी से जो एस्टिमेट्स हैं उनको आप यूज़ करते हो और सिंपल सिंपल छोटे छोटे कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये एबडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आपस में एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। नाउ कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग इज अ स्टाइल ऑफ रीजनिंग इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड। नाउ दो दो चीज़ों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट, हम क्या हुआ तो उसका क्या रिजल्ट आया, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। द लॉजिक इज यूज टू डिस्क्राइब वॉट माइट हैपन इफ अ सर्टन एक्शन इज टेकन और वाई सर्टन थिंग्स हैपन वेन सर्टन सर्कमस्टेंसेज आर मेट। वेन पीपल ड्रॉ ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ड्राइव टू इम्प्रूव, दिस फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज टू गाइड डेली डिसीजन मेकिंग। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप लेफ्ट लोगे तो यहाँ पहुँचोगे, राइट लोगे तो वहाँ पहुँचोगे। सिंपल सा है, डेली बेसिस में यूज़ किए जाने वाले कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग के जो है एग्जाम्पल्स हैं, राइट? नेक्स्ट इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में हम किसी भी चीज़ को जो है केयरफुली सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके धीरे धीरे हम जो है एक थिंकिंग का प्रोसेस डेवलप करते हैं। तो नाउ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में अगर हम बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग डिटेल्स डाइविंग डीपली इन टू अ टॉपिक्स रैशनल्स इन ऑर्डर टू रीच अ डेफिनेट कंक्लूजन। कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज एंड लॉजिक ऑल बेनिफिट फ्रॉम इट। व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हाइल डीलिंग इच टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ आर्ट वर्क्स, लिटरेचर फॉर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। मतलब हर चीज़ को, अगर आपको किसी भी चीज़ को समझना है, डिटेल में जाना है, आपको उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करना है, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वॉट वी नीड टू डेवलप। सो दिस इज़ अगेन एक टाइप का जो है रीजनिंग में हमने इसको कंसिडर किया है। मूविंग ऑन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डीकम्पोजिशनल रीजनिंग। नाउ नाम से पता चलता है किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करना है। डीकम्पोज मतलब कोई बड़ा सा चीज़ है, अगर डीकम्पोज होता है तो छोटे छोटे उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हो जाते हैं। तो डीकम्पोजिशनल रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग थिंग्स डाउन इन टू देयर बेसिक कम्पोनेंट्स इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड हाउ इच कम्पोनेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी बड़ी सी चीज़, बड़े से टॉपिक, बड़े से अंडरस्टैंडिंग, बड़ी सी थियरी को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में, जो उसका बेसिक जहाँ से वो फॉर्म हुआ था उस चीज़ में कवर करके, और उसके बेसिक छोटे छोटे पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना, सीखना, समझना, दैट इज़ कॉल्ड एज डीकम्पोजिशनल रीजनिंग। डीकम्पोजिशनल रीजनिंग अलाउज एन ऑब्जर्वर टू ड्राइव पावरफुल कंक्लूजन्स अबाउट द टोटल बाई इवेल्युएटिंग इच पोर्शन सेपरेटली। हर एक पोर्शन को अलग अलग सेपरेटली हम स्टडी करते हैं, देन एट द एंड वी कंबाइन टुगेदर एंड कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। दैट इज
टाइप्स ऑफ रीजनिंग हमने सीखा, डिडक्टिव, इंडक्टिव, अबडक्टिव, देन डिकम्पोजिशनल, उसके अलावा हमने कॉज एंड इफेक्ट, देन वी लुक एट समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग. आई बिलीव दैट्स ऑल. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रीजनिंग. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज सिलोगिज्म. सिलोगिज्म क्या होता है? सिलोगिज्म का मतलब होता है किसी दो चीज़, दो स्टेटमेंट्स को यूज कर, इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ स्टेटमेंट्स. ये लोगों को कन्फ्यूज करना, लोगों को गुमराह करना, वैसी वाली चीज़ों में यूज़ किया जाने वाली चीज़ है. बट इन रियलिटी अगर हम बात करें सिलोगिज्म का मतलब क्या है, तो सिलोगिज्म का मतलब होता है कि दो स्टेटमेंट्स या दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो दो स्टेटमेंट्स को यूज करके किसी तीसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, सो अ फॉर्म ऑफ आर्ग्यूइंग इन विच टू स्टेटमेंट्स आर यूज टू प्रूव दैट अ थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, स्टेटमेंट नंबर वन. सेकेंड स्टेटमेंट, आई एम अ ह्यूमन. तो मतलब आप प्रूव क्या कर रहे हो, देयर फोर आई एम मॉर्टल. सो क्योंकि सारे इंसान मॉर्टल हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, तो डज मीन कि आई एम अ मॉर्टल. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट मी, बट दो स्टेटमेंट से तीसरा स्टेटमेंट अपने आप डिराइव हो रहा है, अपने आप निकल करके आ रहा है. तो जब इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिलोगिज्म. नाउ इस सिलोगिज्म में दो टाइप के, दो चीजें निकल करके आते हैं. वन इज कॉल्ड एज मॉडस पोनेंस एंड अदर वन इज कॉल्ड एज मॉडस स्टॉलेंस. सो मॉडस पोनेंस एंड मॉडस स्टॉलेंस क्या है? अब ये सिलोगिज्म रीजनिंग, हम इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग वाला टॉपिक में दोबारा से रिपीट होने वाला है, और वहाँ पे बहुत डिटेल में है. तो यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ रीजनिंग का टॉपिक आया है, इसलिए हम कवर अप कर रहे हैं. अदरवाइज ये लॉजिकल रीजनिंग में ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस की गई हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडस पोनेंस एंड मॉडस स्टॉलेंस, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक द मॉडस पोनेंस एंड मॉडस स्टॉलेंस आर टू टाइप्स ऑफ इन्फरेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, दैट इज फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ ए देन बी. मतलब दो स्टेटमेंट से आप कुछ ना कुछ इन्फर कर रहे हो. इन्फर कर रहे हो मतलब वो स्टेटमेंट खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप इन्फर कर रहे हो, आप अपनी समझ से समझ रहे हो. अभी वो हर किसी का इन्फरेंस अलग अलग होने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका स्किल लेवल क्या है. तो जितना आपका नॉलेज, जितना आपका स्किल, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उस बेसिस पे आप अपनी इन्फरेंस और आप अपनी जजमेंट प्लेस करोगे. तो दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी. फॉर एग्जाम्पल, वेन एन एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, इट इज अ राइट एंगल. However, like पहला स्टेटमेंट है कि जब कोई एंगल इंस्क्राइब किया जाता है एक सेमी सर्कल के अंदर, तो जो एंगल बनता है दैट इज अ राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का. However, दिस एंगल इज नॉट अ राइट एंगल, हेंस इट इज नॉट इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल. बट क्या ये सच में प्रूफ किया जा सकता है? एक हम बोल रहे हैं कि एक जब भी कोई एंगल इंस्क्राइब किया जाता है एक सेमी सर्कल के अंदर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है. दूसरी तरफ एक दूसरा स्टेटमेंट है कि एक एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं है. Does it mean कि वो सेमी सर्कल के अंदर नहीं है? You never know. There are a lot of things that you can infer to, right? But basic inferences कि हाँ आप ऐसे बोल सकते हो. तो इस तरीके के arguments syllogism के अंदर आते हैं, and we call them as modus tollens and modus ponens, right? Now, this was types of reasoning. अब हम move on कर रहे हैं actual हमारे reasoning की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहला जो series है like mathematics से थोड़ा सा related है, not logical reasoning से. logical reasoning भी है, but ये this is logical reasoning के under का ही एक like अंदर का ही एक topic है, जिसको हम mathematical reasoning बोलते हैं. और उसमें से एक हमारा जो है पहला जो reasoning का type निकल करके जाए, that is number series. तो number series क्या होता है, कैसे जो है number series की तरफ हम देखते हैं. तो number series हम सबको पता है, numbers को use करके series बनाया जाता है. तो number series in an order of numbers which are not arranged randomly but follow a pattern. यहाँ पे हर जगह एक pattern नजर आएगा. Mathematics की beauty is कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ pattern नजर आएगा. Nothing is built without a pattern. So whatever we are seeing, whatever we are looking at, everything follows a certain pattern. That is what mathematics we are trying to say. So number series एक pattern follow कर रहा है. In these कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं. तो let's move on to the number series. क्या होते हैं? In this type of series, pattern can be found by using difference of terms. If any pattern is found, then the first difference like square, cube, multiplication, हम observe करते हैं और उसके basis में निकालने की कोशिश करते हैं. तो जो first type का pattern है, that is difference series. तो difference series में हमारा क्या है, दो numbers के बीच में कुछ difference होता है. जैसे पहला example उसमें दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18. तो हर बार जो है +3, +3 आप add करोगे तो आपको अगला term मिल जाता है. दूसरी तरफ है 20, 28, 37, 47, 58. यहाँ पर भी डिफरेंस है, बट द डिफरेंस इज नॉट कॉमन. और डिफरेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 8, 9, 10, 11, 12. बट अगेन कुछ तो पैटर्न है, अगले में 13, 14, 15 ऐसा आप प्लस कर जाओगे तो यू विल गेट समथिंग. सो दैट इज योर डिफरेंस सीरीज. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फिबोनाची सीरीज. फिबोनाची सीरीज क्या होती है? इन दिस काइंड ऑफ सीरीज द नेक्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग द प्रीवियस नंबर. और पिछले में अगला नंबर यूज करोगे, ऐड करोगे, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. जैसे 1 + 1 वी गेट 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21. तो ऐसे हमें अगले नंबर्स मिलते जाते हैं जब हम पिछला टर्म यूज़ करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीरीज.
Then we have something called as prime number series. Now prime number series, in this kind of series, the next term is found by adding, multiplying or dividing by prime numbers. So जैसे यहाँ पे आप depends कि आप add कर कुछ भी हो सकता है, but prime numbers का involvement है, that is why we call it as prime number series. तो जैसे दो में टू को टू से multiply करोगे तो फोर आ जाता है, टू के बाद अगला prime number is थ्री, so फोर into थ्री 12, थ्री के बाद अगला prime number is फाइव, तो 12 into फाइव big gives us 60, फाइव के बाद अगला prime number is सेवन, तो 60 into सेवन gives us 420. उसके बाद अगला प्राइम नंबर इज 11, तो 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली यू गेट 4620. तो ये अगेन प्राइम नंबर की सीरीज हो जाती है, यहाँ पे प्राइम नंबर का इन्वॉल्वमेंट है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है. देन वी हैव परफेक्ट स्क्वायर सीरीज. नाउ ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, इसमें स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ सीरीज आर बेस्ड ऑन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज इन द सेम ऑर्डर एंड वन स्क्वायर नंबर इज मिसिंग इन दैट गिवन सीरीज. तो सिंपल सा है, कहीं ना कहीं आप 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, तो आप स्क्वायर्स ऐड कर रहे हो, स्क्वायर्स लाइक ऐड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो सीरीज है वो खुद में ही एक स्क्वायर है. तो आप एक एक नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली सीरीज बन जाती है. वैसे ही जैसे स्क्वायर है वैसे ही परफेक्ट क्यूब सीरीज बनती है. इनसेड ऑफ स्क्वायर्स नाउ वी आर लुकिंग एट द क्यूब्स. तो 13 का क्यूब, 15 का क्यूब, 17 का क्यूब, 19 का क्यूब, 21 का क्यूब, तो एक एक ऑल्टरनेट नंबर का क्यूब कहीं ना कहीं हम लाइक ऑल्टरनेट नंबर का या ऑड नंबर का बोलोगे आप, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 we are looking at the cubes, right? एक example है. Similarly, we have ratio series. This type of series is based on the ratio series where sequence is form of the ratio in difference between the numbers. All numbers are arranged in ratio sequence. तो कहीं ना कहीं एक ratio follow किया जा रहा है. जैसे for example यहाँ पर 4:5 का ratio या 4:5 का ratio maintain किया जा रहा है हर number के बीच में. तो अगला number निकालना है तो आप 5/4 से multiply करो, automatically अगला number मिल जाएगा, right? तो ये एक ratio चल रहा है यहाँ पर, ऐसी सीरीज होती हैं. नाउ नंबर सीरीज को सॉल्व करने के कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं जो डेवलप किए गए हैं. अब इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए नंबर सीरीज सॉल्व करना आसान हो जाता है. तो क्या है वो टिप्स? सबसे पहली चीज़ है लाइक आपको ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. तो इफ़ द नंबर सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीजेज देन द अरिथमेटिक ऑपरेशन इज सब्सट्रैक्शन. पहले आप देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या सीरीज बढ़ रही है या घट रही है. अगर सीरीज घट रही है तो कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन है, आपको ध्यान देना है कि सब्सट्रैक्शन के बारे में आपको सोचना शुरू करना है. जबकि उसका उल्टा है, अगर सीरीज बढ़ रही है तो आपको देखना है कि या तो एडिशन हो रहा है या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. इफ़ द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन द सीक्वेंस इज आइडेंटिकल, द टाइम इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. तो आपको वो भी देखना है कि हाँ भाई रेशियो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन है तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस में वो ग्रो कर रहे हैं. इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन द सीक्वेंस इज द सेम, देन द सीक्वेंस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Have a strong knowledge of the cubes and squares of different numbers so you can recognize the pattern at once. अगर आपको cubes and squares अच्छे से पता है, याद है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए recognize करना उतना आसान हो जाएगा. तो cubes and squares में भी आप 1 to 20 या 1 to 30 तक के squares and cubes याद रख सकते हैं. That will give you edge कि आपको identify करना उतना आसान होगा अगर cube and square की series आती है. If there is no direct relation between two consecutive numbers but there is a relation between alternate numbers, then the series is a hybrid of two sequences. सॉल्व द टू सीक्वेंसेज सेपरेटली टू ऑब्टेन द रिजल्ट. तो ऐसा भी कई बार होता है कि डायरेक्टली जो दो नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन समझ नहीं आता है, बट ऑल्टरनेट नंबर्स के बीच में जरूर कुछ ना कुछ समझ आता है. सो इफ द सीक्वेंस नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन अ मल्टीप्लीकेशन मैनर, देन द अरिथमेटिक ऑपरेटर यूजेस मल्टीप्लीकेशन. तो वो भी ये चीज़ें हैं. तो ये कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं जिनको ऑब्जर्व करके आप कहीं ना कहीं एक बेटर आइडिया या एक कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन में हम बेटर व्हाट वी से एज रख सकते हैं और आप नंबर सीरीज को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नाउ अब है कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस है जो हमने देखना है जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सो दैट नंबर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो बिना क्वेश्चंस देखे वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑन द सीक्वेंस. सो 12, 7, 2, अब क्या है, क्या हो सकता है इसका आंसर, आप सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए. सो एज द सीरीज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, इट इज अ सब्सट्रैक्शन सीरीज विद अ डिफरेंस ऑफ 5 बिटवीन टू नंबर्स. सिंपल आइडिया है. सो देयरफॉर द नेक्स्ट टर्म हैज टू बी, अब देखिए हर बार आप 5 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट द आंसर 12 - 5 - 7, 7 - 5 - 2, 2 - 5 - 3. सो द फाइनल सीक्वेंस इज 12, 7, 2, -3. बहुत आसान थी सब्सट्रैक्शन सीरीज. फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीक्वेंस 3, 9, 27, 2, 43. तो यहाँ पे चीजें जो है मल्टीप्लाई हो रही है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81. डेफिनेटली यू शुड गेट द आंसर. तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, ये भी कुछ चीज़ें जो आपको समझ आनी चाहिए, देखने आनी चाहिए, राइट? तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वी कैन लुक एट. या इसको आप मे बी लाइक इसमें भी रख सकते हो, लाइक 3 to the power 1, लाइक 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 to 4, ऐसा भी ऑब्जर्वेशन
रख सकते हो, बट सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 3 यू गेट योर आंसर. फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीक्वेंस 2, 7, 17, 52. एज द सीरीज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट इज इन एडिशन सीरीज विद द डिफरेंस ऑफ 5 बिटवीन द टू नंबर्स. सिंपल सक्सेशन द एडिशन ऑल्सो इंक्रीज बाय 5, देयरफॉर 2 + 5 = 7, 7 + 5 = 10, 10 + 5 = 17 + 15. तो वो उसको 5 से इंक्रीज हो रहा है प्लस 5 से और भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो इट इज़ लाइक 5, 10, 15, 20 ऐसा इंक्रीज है. तो पहले 5 से, फिर 10 से, फिर 15 से, फिर 20 से, ऐसे ऐड करते हुए हमें चलना है. सिंपल. फाइंड द मिसिंग नंबर 25, 37, 49 = what. तो ये यहाँ पे एक रेशियो है 52 = 25 and 5 + 1 = 37. तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है. सिमिलरली 72 = 49 and 7 + 1 = 65. द मिसिंग नंबर इज 65. तो ये थोड़ा समझाने का थोड़ा तरीका अलग है, बट अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग, राइट. सो क्योंकि 52 को हम 25 इंटरप्रेट कर सकते हैं, सो वो 5 + 1 = 2 + 1, कहीं ना कहीं 6 + 6 × 2n + 1 चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, इट्स लाइक सिंपल. फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज. ऐसा भी सवाल आता है कि 11, 17, 13, पिछले वाले सवाल की तरह बात कर रहा हूँ, ऐसे भी सवाल आते हैं और ऐसे भी सिंपल से भी सवाल आते हैं. तो गिवन सीरीज इज 11, 17, आपको देखना है 11 + 32 - 3 = 11 + 6, 17 + 52 - 3. तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिफरेंस निकल आ रहा है 72 - 3. तो देयरफॉर द मिसिंग नंबर इज गिवन सीरीज इज 163, दैट इज. तो आपको थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशनल स्किल इसमें भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रखना है कि चीज़ें कुछ इस तरीके से भी मूव करते हुए नज़र आ सकती हैं, राइट. डिटरमाइन द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 5, 6, 9, 14, 21. सो यहाँ पर भी सोल्यूशन दिया हुआ है 5 + 1, 6 + 3, 9 + 5, 14 + 7, 21 + 9. तो चीज़ें 1, 3, 5, 7, 9 कहीं ना कहीं उस तरीके से ऐड हो रही हैं. 5, 6, 9, 14, 21. तो वो लेफ्ट साइड भी नंबर है, बट राइट साइड में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं और नंबर से उनको ऐड करते हुए हमें आंसर्स मिल जा रहे हैं. सो मिसिंग नंबर इज 30 ओवर हियर, राइट. दिस वाज नंबर सीरीज. नाउ नंबर सीरीज इज नॉट इनफ. अगला जो टाइप ऑफ सीरीज, अगला जो टाइप ऑफ कॉन्टेंट, अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, दैट इज लेटर सीरीज. तो लेटर सीरीज में क्या हो रहा है, नंबर्स की जगह हम अब अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स की बात कर रहे हैं. तो इसमें लाइक कुछ इस तरीके के लेटर्स आते हैं. अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है EJOTY जो हमने लिखा हुआ है, जिसमें हर एक को एक नंबरिंग दे दिया गया है. तो हर एक अल्फ़ाबेट को इंग्लिश का नंबर, लाइक हर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट को एक नंबर दे दिया गया है. तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं. तो इससे भी लाइक ये कहीं ना कहीं हम नंबर्स को कुछ ना कुछ कोड दे रहे हैं, तो वो हमारा एक तरीका है, राइट. नाउ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबर दे दें, तो 1 to ABC को जो है 1, 2, 3, 4, 26 तक जाते हैं. A को 1 और Z को 26, तो ऐसे नंबर आते हैं. राइट टू लेफ्ट भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं कि Z को 1 और A को 26 कर सकते हैं. तो ये एक तरीका है कहीं ना कहीं कोडिंग का नंबर देने का. ये हमारे कुछ ऐसे सब कोड्स और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं लेटर सीरीज़ में. तो अब अगर हम टाइप्स की बात करें, तो एक वन लेटर सीरीज़ होता है जिसमें एक एक लेटर ही दिया होता है, जैसे ACEGK ऐसा दिया हुआ है. तो सोल्यूशन क्या है, तो हम इसमें हम ऐड करेंगे, तो A+2, 2, 2 को ऐड किया गया है. तो सी, फिर उसके बाद डी नहीं है, ई है, फिर एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई है, जे नहीं है, के है. तो ऐसे करके कहीं ना कहीं सीरीज आया, तो मिसिंग सीरीज हमारी आई बन जाती है. वैसे ही एक एक का सीरीज अगर आप देखोगे BEHKNO, तो यहाँ पे +3 + 3 ऐड किया गया है, तो N+3 आप ऐड करोगे तो क्यू आ जाता है. दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल. इफ द नंबर्स आर असाइंड लाइक DFHIJL, तो इफ द नंबर सीरीज बिकम्स 4, 6, 8, 9, सो एंड सो ऑन द कंपोजिट नंबर सीरीज. सो नेक्स्ट इट इज अगेन 14, विच इज N. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें हमें समझ आ रही हैं. उसके बाद एक एग्जाम्पल है टू लेटर सीरीज का. तो यहाँ पर एक लेटर नहीं बल्कि दो लेटर्स यूज किए जाते हैं. तो फर्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज फॉलोज वन लॉजिक एंड द सेकंड लेटर फॉलोज अनदर लॉजिक एंड दे पेयर विद ईच अदर. तो कई बार ऐसे भी होता है, कई बार दोनों का साथ में कुछ लॉजिक है या दोनों का अलग अलग लॉजिक है. वो हर क्वेश्चन पे अलग तरीके से नजर आएगा. तो जैसे यहाँ पर AMBNCODPFRS है, तो द फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो आप ध्यान दोगे तो ABCD हैं, और उसके बाद MNOP, तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट लेटर जो है ABCDE बनेगा, दूसरा लेटर जो है MNOPQ बनेगा. तो EQ आपको कहीं ना कहीं नज़र आते हुए नज़र आएगा, राइट. दूसरा है अगेन AACEEIGO. आप देखोगे तो फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल पेयर्स गिवन इन द क्वेश्चन फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ A+2 चल रहा है, एंड दूसरे में जो है E+ अगेन व्हाट वी से द सेकंड लेटर्स आर
वोवल्स ए ई आई ओ यू, तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया मिल जा रहा है, पैटर्न मिल जा रहा है। थ्री लेटर्स में क्या हो रहा है, द सीक्वेंस कंसिस्ट्स ऑफ थ्री लेटर्स इन ईच टर्म, द फर्स्ट लेटर फॉलोज वन लॉजिक वेयर द सेकंड लेटर फॉलोज अनदर एंड द थर्ड लेटर फॉलोज सम अदर लॉजिक। तो तीन लेटर्स हैं, तीनों का अलग अलग लॉजिक है, बट तीनों को साथ में हमें अलग अलग रीड करना है और समझना है। तो जैसे एन ए बी ओ ई सी पी आई ए क्यू ओ जी, तो आप देखोगे एन ओ पी क्यू एक साथ है, ए ई आई ओ यू कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, बी सी ई जी तो वो भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आते हुए नज़र आ रहा है, राइट। तो आइडिया मिल जाता है। तो जैसे हमने ढूंढ लिया कि क्यू यू तो हमें मिल गया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, बी सी ई जी क्या बनेगा, तो उस हिसाब से आइडिया मिल जाता है। नाउ बेस्ड ऑन द लेटर सीरीज समथिंग न्यू और समथिंग सिमिलर टू इट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कोडिंग एंड डीकोडिंग। ये भी लेटर सीरीज की तरह है, किसी भी चीज़ को कोई एक पैटर्न दे देना, कोई एक कोड दे देना, और उसे हम कोड फिर उसको समझने वाले को हम डीकोड कर, जिसको समझना है उसे डीकोड करना पड़ेगा, तो कोडिंग एंड डीकोडिंग निकल करके आता है। कोडिंग एंड डीकोडिंग में हम करके आ रहे हैं, पहले टाइप अल्फाबेटिकल कोडिंग है, अल्फाबेटिकल कोडिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लेटर सीरीज, दोनों सिमिलर सिमिलर हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर एक्सक्लूसिवली यूज, दीज लेटर्स डू नॉट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स बट आर अलॉटेड सम आर्टिफिशियल वैल्यूज बेस्ड ऑन लॉजिकल पैटर्न्स और एनालॉजीज बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स और ऑब्जर्वेशन द पैटर्न्स इन्वॉल्व द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डीकोड अ कोड्स कोड वर्ड और एनकोड वर्ड। तो कहीं ना कहीं हम अल्फाबेट्स को कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ रीजन दे करके कोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ बिलोंगिंग इज कोडेड एज टेबल्स टेस्ट देन हाउ विल यू कोड लिनन। तो अभी इसको समझना बहुत आसान है, आपको पहले एक एक चीज़ को डिकोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या, ई का मतलब क्या, एक सेम ऑर्डर में उसमें से हम निकाल लेते हैं कि हमारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं क्या, ये एल रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, एन ई एन सारे रिपीट हो रहे हैं। तो हमने उसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर दे दिया, ऑप्शन देखा, उसमें से हमें आंसर्स मिल गए, सिंपल है ना। वैसे ही सिमिलर, इफ पोस्टेड इज कोडेड एज डेट्स ऑफ देन हाउ विल यू कोड स्पीड। तो अगेन बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट द लेटर्स हैव बीन रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो उसी को हमने रिवर्स कर दिया, तो इसको भी हम स्पीड को भी हम रिवर्स कर देंगे, राइट। इफ ट्रेन इज कोडेड एज 2 3 4 5 6 देन हाउ विल यू कोड ट्रेन। इसमें तो सिंपल है, ट्रेन में से टी हटा दोगे तो ट्रेन मिल जाएगा। तो वैसे 2 3 4 5 6 में से 2 हटा दो तो 3 4 5 6, यू गॉट योर आंसर, सिंपल, राइट। इफ द रेन इज वाटर, वाटर इज रोड, रोड इज क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज सी एंड सी इज पाथ, वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई। सो द एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई एंड स्काई इज सी, सो देयरफॉर हमारा आंसर जो है सिंपल सा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज करने की कोशिश किया कि इफ रेन इज वाटर, वाटर इज रोड, रोड इज क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज सी एंड सी इज पाथ। तो हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, हमारे लिए क्या है, वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई, तो एरोप्लेन्स फ्लाई इन स्काई, स्काई का मीनिंग इन्होंने बोला हुआ है सी, तो वी विल कॉल इट एज सी, सिंपल है ना। इसी पे कोडिंग डिकोडिंग पे और क्या सवाल आ जाते हैं, चूज द ऑड वर्ड आउट, चूज द ऑड नंबर आउट, चूज द ऑड लेटर आउट, या इनका कॉम्बिनेशन की, चूज अ ग्रुप ऑफ ऑड वर्ड लेटर नंबर, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड होते हैं। सो अगेन यू कैन बी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज एनालॉजी, द मीनिंग ऑफ एनालॉजी इज करस्पॉन्डेंस। एनालॉजी का मतलब होता है दो चीज़ों को कंपेयर करना, एक दूसरे से रेफरेंस देकर के बातें करना, कि जैसे यहाँ पे सूरज अभी उग रहा है तो वहाँ का भी उगेगा। तो दो चीज़ों का है कि आप मुंबई दिल्ली को कंपेयर कर सकते हो कि मुंबई में ट्रैफिक इतना है तो दिल्ली में तो कितना ट्रैफिक है। सो द मीनिंग ऑफ एनालॉजी इज करस्पॉन्डेंस, इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन एंड अनदर सिमिलर रिलेशनशिप हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड टू अस। Therefore, analogy tests are meant to test a candidate for the overall knowledge, power of reasoning and the ability to think consciously and accurately. तो ये कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं निकल करके आती हैं जो हम analogy में जिनकी हम बातें कर रहे होते हैं। तो this is what is called as analogy as such. Example, a delicious is like for example, as delicious is related to taste, melodious is related to delicious. क्यों taste के बारे में होता है तो melody की हम बात करेंगे तो we talk about voice. तो ऑफकोर्स योर आंसर बिकम्स वॉइस, राइट। एनालॉजी पे एक सवाल आते हैं, जैसे हमने बोला जायंट डॉफ, तो जीनियस के साथ क्या होगा, तो जायंट एंड डॉफ एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जीनियस का ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास इडियट, दैट इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, राइट। जैसे लैम्प डार्कनेस, तो और क्या है लैम्प और डार्कनेस का जो रिलेशन है वो दूसरा और कौन सा हमारे पेयर्स में से है जो कहीं ना कहीं आंसर बनाता है, तो आप लैम्प जो है वो डार्कनेस को दूर करता है, तो आप क्या बोलोगे, वाटर जो है कहीं ना कहीं थर्स्ट को दूर करता है, तो वाटर एंड थर्स्ट को हैंड इन हैंड, राइट, दैट इज देयर। पोटैटो कैरेट रेडिश, अब इसमें क्या कॉमन है, पोटैटो रेडिश एंड कैरेट, अगर आप कॉमननेस देखोगे तो तीनों तीनों जो है ग्राउंड के अंदर आती हैं। तो हमारा जो चौथा है जो ग्राउंड के अंदर आता है वो है क्या, टोमेटो ग्राउंड के अंदर उगता है, नो, स्पिनच नो, सेसमे नो, बट ग्राउंड नट यस, तो दैट बिकम्स योर
ऑब्वियस आंसर. तो दिस इज एनालॉजी इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन स्किल्स. अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल एंड थोड़ा सा जनरल नॉलेज आप यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं एनालॉजी के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो. राइट 9, 14, 26. तो क्या है 9, 14 का क्या है? कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप हमने आइडेंटिफाई किया, द रिलेशनशिप इज एक्स इज टू एक्स प्लस फाइव. तो 9 प्लस 5, 14. तो 26 प्लस 5 कहीं ना कहीं 26 प्लस 5, 31. सो 26, 31 दैट बिकम्स योर ऑब्वियस आंसर. तो हमें छोटा छोटा सा लाइक बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक बेसिक ऑब्जर्वेशन पे नजर रखना है. 42, 56, 72. सो यहाँ पे 42, 56 का अगर आप रेशियो निकालते हो 3:4 आता है. तो 72 के साथ 3:4 का रेशियो 96 का बनता है. तो ऑब्वियसली 96 बिकम्स योर ऑब्वियस आंसर. राइट. इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशंस पे. ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट ब्लड रिलेशंस. तो ब्लड रिलेशंस में कुछ चीज़ें आपको समझना है कि फादर्स फादर को हम बोलते हैं ग्रैंड फादर, फादर्स मदर को बोलते हैं हम ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड एज योर अंकल, ग्रैंड फादर सन इज नथिंग बट योर फादर अगेन, और मे इट्स पॉसिबल दैट इट कैन बी योर अंकल. Grandfather's only son is of course going to be your father. Father's sister हम बोलते हैं aunt. Children of uncle your cousins. Wife of uncle is again aunt. Children of aunt is again your cousin. Husband of aunt is your uncle. ये terminologies हैं जो कई बार confuse करने के लिए दी जाती हैं. हम just clarify करने की कोशिश कर रहे हैं. Sister's husband brother-in-law. Wife's brother brother-in-law. Brother's son nephew. Brother's wife sister-in-law. Brother's daughter niece. Grandsons or granddaughter's daughter, great granddaughter, mother's or father's son or daughter, again it is going to be either your brother or sister, son's wife, daughter-in-law. तो ये कुछ established किए हुए चीज़ें हैं. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे mother's father तो maternal grandfather, mother's mother maternal grandmother, mother's brother maternal uncle, mother's sister again aunt, children of maternal uncle again your cousin, wife of maternal uncle maternal aunt. एंड थोड़ा सा जो कुछ अलग चाहिए जैसे आपके चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स सिबलिंग्स भी यूज़ किया जाता है. कॉमन टर्म फॉर हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउस भी यूज़ किया जाता है. तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं जिसके ऊपर ब्लड रिलेशंस के सवाल पूछे जाते हैं कई दफ़ा. राइट. तो नाउ कैसे अप्रोच करना है उनको, उसके लिए हम कुछ सिम्बल समझते हैं कि जब हम जब आप किसी मेल या फीमेल को दर्शाते हो तो मेल को दर्शाते समय हम उसके सामने प्लस लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एम इज़ अ मेल तो हम उसको प्लस एम लिख देते हैं. इफ़ फॉर एग्जाम्पल एन इज़ अ फीमेल तो हम एन माइनस लिखते हैं. तो सॉल्व करते हैं हमारे लिए ईजी हो जाता है कि प्लस मतलब मेल, एम माइनस मतलब फीमेल. ये कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं. अगर वो दोनों एक दूसरे से मैरिड हैं, एम एन एन आर मैरिड टू इच अदर, तो हम एम इक्वल्स टू एन लिख देते हैं. तो प्लस माइनस हट गया, वो इक्वल टू साइन आ गया, तो दोनों मैरिड हैं. पी एन क्यू आर सिबलिंग्स, तो इस तरीके के दोनों साइड के पॉइंट करते हुए एरोज आते हैं लेफ्ट एंड राइट में, सिबलिंग्स हैं. चाइल्ड एंड पेरेंट्स की बात आती है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज़ द चाइल्ड ऑफ बी, तो एरो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ पॉइंट करते हुए नजर आता है. व्हेन ए हैज़ टू चिल्ड्रन बी एंड सी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम बी एंड सी को पॉइंट करते हुए एरो सिंबल्स बनाते हैं. राइट. अभी आपके प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल के लिए एक सवाल यहाँ पर दिया है. एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एक्स सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज वाई रिलेटेड टू सी. तो अभी हमें समझना है. तो हमने सिंपल सा प्लॉटिंग कर दिया, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो दोनों ब्रदर्स हैं तो दोनों मेल्स हैं पहली बात. तो एक्स को भी प्लस सिंबल, वाई को प्लस सिंबल, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया. सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो सी एंड डी को भी हमने अलग सेपरेट कर दिया, सिस्टर्स हैं तो दोनों फीमेल आएंगी, तो माइनस साइन दोनों के साथ एंड दोनों आपस में रिलेटेड हैं. ठीक है. एक्स सन इज डीज ब्रदर, तो एक्स का सन, एक्स सन अब यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो हमने एक्स सन दिया हुआ है, वो भी डी का ब्रदर है, तो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया. एंड द क्वेश्चन इज हाउ इज वाई रिलेटेड टू सी, तो वाई इज रिलेटेड टू सी, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू आस्क. सो द ऑब्वियस आंसर इज कि एक्स डी एंड सी जो है सिस्टर्स हैं, एक्स जो है कहीं ना कहीं वो डी का ब्रदर है, तो सी का भी ब्रदर होगा. एंड एक्स का लाइक दोनों ब्रदर्स हैं बट एक्स का जो फादर है दैट इज़ योर लाइक एक्स, एक्स का फादर इज ऑफ कोर्स लाइक एक्स सन, एक्स जो है उसका फादर है. तो कहीं ना कहीं वाई एंड सी का जो कजन्स का रिलेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो है अंकल वाला रिलेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है. तो वाई अब इसका एक्सप्लेनेशन हमने भी लिखा हुआ है, वाई इज़ द ब्रदर ऑफ एक्स एंड एक्स सन इज डीज डॉटर. This implies that D is the daughter of X as C and D are sisters. C is also the daughter of X, hence Y is the uncle of C. Simple है. जब आप प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से करते हो तो समझना हमारे लिए आसान हो जाता है. जैसे X जो है अंकल X के ही दोनों डॉटर्स हैं, तो Y जो है उसका लाइक इट्स लाइक फादर्स ब्रदर, तो विच बिकम्स योर डेफिनेटली अंकल. सो फॉर C, Y इज the अंकल. इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं हमारे डायरेक्शन सेंस के ऊपर. तो डायरेक्शन सेंस में हमें डायरेक्शन समझ आना चाहिए कि डायरेक्शन किस तरफ प्ले हो रही है,
नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इसके ऊपर सवाल आते हैं। अभी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले नहीं है, जस्ट आपको डायरेक्शन सेंस का एक बेसिक मैप दिया है, बेसिक ज्योग्राफी दिया हुआ है यहाँ पे। सो दिस अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के टाइम पे वी विल पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है कि डायरेक्शन सेंस इज अगेन समथिंग यू नीड टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। देन सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी सवाल आ जाते हैं कि आपके लेफ्ट में इसको बैठाया, राइट में उसको बैठाया, तो कैसे, कौन किसके बाजू में कहाँ बैठा हुआ है। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ा सा केयरफुलनेस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली चीज़ है, बट हम उतना डीप में नहीं जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तक। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से भी चीज़ें जो है, ऑब्जर्वेशन से भी जो है, सीटिंग अरेंजमेंट को फिगर आउट किया जा सकता है। राइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड एज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अभी तक हमने जो देखा दैट वॉज मैथमेटिकल रीजनिंग, अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट जो जो चीज़ें कवर हैं हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। सो फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेजेस। तो सबसे पहली चीज़ जो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब किसी भी चीज़ को जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इफ देर आर फाइव एप्पल्स इन अ कार्डन ऑफ 12 एप्पल्स, देन द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स फॉर द होल वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 5/12, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। क्या होते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स, पहला है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन इज अ नंबर रिटन विद अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन विच बोथ आर नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 5/12, 17/12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें दो नेचुरल नंबर्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया है, दैट इज अ कॉमन फ्रैक्शन। दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका वैल्यू एक्चुअली लेस देन वन है। जैसे जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 10/5, तो दोनों नेचुरल नंबर से एक फ्रैक्शन तो बन गया, बट 10/5 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उसका वैल्यू आता है 2। बट अगर सेम चीज़ मैं 5/10 लिखता हूँ तो उसका वैल्यू एक से कम आएगा, लेस देन वन आएगा। तो दैट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि उसका वैल्यू अगर 2 है तो 2 लिखो ना, क्यों फ्रैक्शन में क्यों लिख रहा हूँ। बट सिंस उसका वैल्यू 2 नहीं लिखी जा सकती, इसलिए हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, सच एज 1/2, 3/4। अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैज द सेम नेम एज दैट रेशियो, तो ये रेशियो भी होता है कहीं ना कहीं एक तरीके का। मिक्सड नंबर फ्रैक्शन, इट इज बेसिकली होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 2/1/3, सो 2+1/3 जिसको हम रीड करते हैं, तो ये मिक्सड नंबर है कि इसमें एक होल नंबर भी है प्लस एक फ्रैक्शन भी है, तो दोनों को कंबाइन करके साथ में लिखा गया है। तो 2.5, 3.5, 2/1/3, 3/1/4 कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड नंबर फ्रैक्शन। राइट, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ़ वी डिवाइड इच होल यूनिट इन टू थर्ड्स एंड कीप काउंटिंग दैम, देन वी विल कम टू 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 एंड सो ऑन। दिस इज वी विल दैट इज वी विल कम टू फ्रैक्शन दैट आर इक्वल टू और ग्रेटर दैन -1, वी विल कॉल दोज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके का कुछ रिजल्ट आता है जो कहीं ना कहीं नेवर एंडिंग है, तो वो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में नज़र आ जाता है। राइट, नाउ फ्रैक्शन के ऊपर कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल इन अ क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो आइदर इंग्लिश और हिंदी, बट 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी आर 1/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच कुछ इस तरीके से, पहले हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन। एक क्लास है जिसमें 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं आती, बट 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश आती है। तो हमसे पूछा गया है कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आती है, जो कि जबकि हिंदी जानने वाले लोग 1/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है, 3/4 डू नॉट नो इंग्लिश और हिंदी, तो 1/4 नो बेसिक्स है, 3/4 को इंग्लिश और हिंदी नहीं आता, मतलब 1/4 को इंग्लिश और हिंदी या दोनों आता है, 1/6 नो इंग्लिश एंड 1/8 नो हिंदी। सो हम क्या कर रहे हैं, 1/4 जिनको दोनों में से कुछ तो आता है या दोनों आता है, माइनस जिनमें जिनको या तो एक आता है या तो दो आता है, तो हमें पता चल जाएगा कितनों को नहीं आता। तो सिंपल है, 1/4 -1/6 -1/8 इक्वल्स टू माइनस, जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है, तो 1/24 जो हमने लिख दिया। सो दैट इज़ योर ऑब्वियस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर गर्ल्स, इफ देर वर 24 गर्ल्स देन हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द ग्रुप। सिंपल है, किसी भी ग्रुप है जिसमें से 3/5 जो है वो गर्ल्स थी एंड देर वर 24 गर्ल्स, तो उल्टा कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो 24 × 5/3 आप करोगे तो यू विल गेट योर ऑब्वियस आंसर। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई पांच पार्ट्स हैं, पांच में से थ्री पार्ट जो है वो उसका वैल्यू 24 है, तो पांच पार्ट्स का वैल्यू कितना होगा, तो ऑब्वियस आंसर इज 40। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज टाइम एंड डिस्टेंस। नाउ फ्रैक्शंस पे सवाल आते हैं, बट आसान होते हैं, आई डोंट थिंक फ्रैक्शंस आर दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व, सो वी आर नॉट पुटिंग मच टाइम ऑन टू इट।
टाइम एंड डिस्टेंस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. टाइम एंड डिस्टेंस में हमने कुछ सिंबल दिए हुए हैं, क्योंकि टाइम को हमने टी दिया है, डिस्टेंस को डी दिया है, एंड इससे एक फार्मूला निकल करके आता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एस इक्वल्स टू डी बाई टी, इसी फार्मूले पर ये सवाल जो है बेस्ड होते हैं. सो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आर डिनोटेड बाई एस टी एंड डी रिस्पेक्टिवली, देन एस इक्वल्स टू डी बाई टी, डी इक्वल्स टू एस इन टू टी एंड टी इक्वल्स टू डी बाई एस. टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर टू आर टू मीटर टू सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 5/8. टू कन्वर्ट मीटर टू सेकेंड टू किलोमीटर टू आर मल्टीप्लाई बाई 18/5. फॉर एग्जाम्पल, राज कवर 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन स्पीड वुड बी 60/4 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर. सिंपल. पहला सवाल, अ मैन कवर्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स. सो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि भाई कोई इंसान 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है 2.5 घंटे में, तो पहले उसका स्पीड निकालो, स्पीड मिल गया तो मल्टीप्लाई बाय 9 आवर्स, यू गेट योर ऑब्वियस आंसर. तो स्पीड आपको मिल जाता है 20 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 8 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स इक्वल्स टू 9 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर. अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 4 आवर्स, द फर्स्ट हाफ एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड सेकंड एट 60 किलोमीटर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो उससे पहले आपको एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा. तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, 2xy/x+y. तो 2 × 40 × 60 / 40+60, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है 48 किलोमीटर पर आवर की. एंड एवरेज स्पीड मिल गई, तो 4 घंटे की टोटल जर्नी है, तो मल्टीप्लाई कर दो 48 × 4, विच कम्स आउट टू बी 192 किलोमीटर एज द टोटल डिस्टेंस, राइट. अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल एट 10 मिनट्स लेट. इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेज द स्कूल 10 मिनट्स अर्लियर. वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हिज हाउस. सिंपल सी चीज़ें हैं, दो चीज़ें दिया हुआ है कि कोई स्टूडेंट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है तो 10 मिनट लेट पहुँचता है, बट वही अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से वॉक कर रहा है तो 10 मिनट जल्दी पहुँचता है. तो अब पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है स्कूल एंड घर के बीच का, राइट. सो लेट द डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग्स ऑफ रीचिंग द स्कूल एट अ डिफरेंट स्पीड इक्वल्स 10+10, क्योंकि दोनों में है कि 10 मिनट जल्दी हो 10 मिनट लेट, तो टोटल 20 मिनट्स का डिस्टेंस है. 20/60 इक्वल्स टू 1/3, लाइक 1/3 आवर्स, क्योंकि 60 मिनट्स एक घंटे में होते हैं, तो 20 मिनट्स बाय 60 मिनट्स अगर हम करते हैं तो 1/3 आता है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग्स इक्वल्स टू x/3 − x/4 इक्वल्स टू 1/3. 1/3 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो 4x − 3x/12 इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स, एंड दैट इज वॉट इज द ऑब्वियस आंसर दैट वी मूव ऑन टू और दैट वी गेट एज टू. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी मूव ऑन टू इज समथिंग कॉल्ड एज रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज. तो रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज को अगर हम कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करके समझने की करके समझने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज रेशियो. वट डू वी मीन बाई रेशियोज? रेशियोज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन. तो वो सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है. दे रिप्रेजेंट द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वान्टिटीज. प्रपोर्शंस आर इन कंपेरिजन टू द होल. इन अ मिक्सचर ऑफ 20 liters ऑफ मिल्क एंड 30 liters ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3. This can be converted to the fraction of milk in the solution as 2:5 or 2/5. As seen, 2/5 is nothing but 2 × 5 × 100, so which becomes 40%. तो यहाँ पे आपको रेशियो भी नज़र आ रहा है, प्रोपोर्शन भी नज़र आ रहे हैं, परसेंटेज भी नज़र आ रहा है. तो तीनों चीज़ों को इसलिए हमने साथ में रखा हुआ है, लाइक नॉट हमने बट एज द सिलेबस तीनों साथ में चलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि तीनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम है. तो रेशियो को प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, परसेंटेज भी बोल सकते हैं. रेशियो का मतलब दो चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे, तो रेशियो में बताओगे कितने प्रोपोर्शन में क्या है, तो प्रोपोर्शन, और उसी को परसेंटेज के फॉर्म में लिख दोगे तो इट बिकम्स योर परसेंटेज, राइट. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 180.5 इज 36.5. सिंपल सा है भाई, 36.1 / 180.5 कर लो, आपको 20% आंसर मिल जाता है. द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फर्स्ट बाय 20% एंड देन बाय 10%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन द प्राइस. तो भाई ओरिजिनल प्राइस अगर 100 है तो उसको सिंपल सा इंक्रीज कर लो 120, उसमें 120 लाइक 20% करोगे तो 120 का 10% ऐड करो तो बिकम्स 132. तो एक्चुअल फ्रॉम 100 टू 132 जो एक्चुअल इंक्रीज है दैट इज 32, तो 32% फॉर अस. इन एन एग्जाम स्टूडेंट स्कोर 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड येट फेल्ड बाय 15 मार्क्स. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्टूडेंट जो है 50% स्कोर कर रहा है मैक्सिमम मार्क्स का एंड येट फेल्ड बाय 15 मार्क्स. इफ ही हैड स्कोर 10% मोर देन वॉट ही हैज स्कोर्ड, then he would have just managed to get the pass percentage. What are the maximum marks of the paper? Now simple sa hai, maximum passing marks equals to 100, so actual marks obtained equals to 50. Had he scored 50, like usme 10% agar usne zyada score kiya hota to 50 ka 10% extra, so that becomes 55. He would have scored passing marks. In this situation the difference between actual and passing marks is 5. So actual but really made your difference, that is of 15. So 5% of maximum marks of 15. So maximum marks is nothing but 15 into 100 upon 5, which is
5% का डिफरेंस आ रहा है, तो 15 इंटू 100 अपॉन 5 विच गिव्स अस द ऑब्वियस आंसर ऑफ 300. What is the 20% of 30% of 40%? So solution at 20% multiplied by 30% multiplied by 40%, which gives us 2.4%, right? Simple. Next topic that we are moving on to is called as profit and loss. Now हम इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, और इसमें जो है प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है क्लैरिटी एस्टैब्लिश होते जाएगी. प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पहले समझने पड़ते हैं. सबसे पहला चीज़ है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस पे आपने चीज़ों को खरीदा है. या सॉरी, डज नीडेड अ सिप ऑफ वाटर. कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज बाय द सेलर. सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड. प्रॉफिट इज द डिफरेंस. लॉस इज अगेन द डिफरेंस. अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेच रहे हो तो प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहे हो तो लॉस. सिंपल. कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकलना है तो प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट प्रॉफिट परसेंटेज. लॉस परसेंटेज भी सेम है, प्रॉफिट को रिप्लेस कर दो लॉस से. सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो. सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो हमारे बनिया कम्युनिटी के दोस्त हैं वो इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को. उनको ये सीखने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी पता है ये चीज़ें. Questions: An umbrella was sold at a profit of 20%. What is the selling price of the umbrella if the shopkeeper procured it for rupees 180? मतलब purchase price 180 है, 20% के profit में बेचा गया, तो 180 plus 20% which gives us 216. That is the selling price. Simple से सवाल, simple से जवाब. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर ऐसा question आ गया तो बहुत खुशकिस्मती वाली बात है. Actually क्या होता है, आपको practice की जरूरत है. बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है time ज़्यादा लगा देते हैं, उसको जैसे कुछ सवाल उनके छूट जाते हैं. ये आपको कब आप बेहतरीन आएगा, जब आपके कैलकुलेशन अच्छे हो, और कैलकुलेशन आप तब अच्छी होगी जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो. तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है एक्चुअली, राइट. एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 2400, प्रॉफिट ऑफ 25%. व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ ही हैड बीन सोल्ड एट रुपीज 1800. यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कॉस्ट प्राइस पे हम 25% प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट जो है 20% आ जाता है. अभी ये सिंपल सा ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको पता है तो बहुत इजीली कर सकते हो, नहीं पता है तो आपको टाइम लगेगा, एक्स वाई एज्यूम करके करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे मैंने एज्यूम किया, जैसे कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. तो लेट्स से आपका जो प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस पे वो 20% हो जाएगा. तो हमारा सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 2400 का, 20% हमने निकाला 480, तो 2400 माइनस 20% ऑफ 2400 विच इज 480, तो आंसर आता है हमारा 1920 जो कॉस्ट निकल करके आता है. अब अगर कॉस्ट हमारा 1920 से हम सेल कर रहे हैं, 1920 से नीचे पे 1800 पे सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉस तो है. तो कितने का लॉस है, 120 का. तो 120 का परसेंटेज निकाल लो कि 1920 का 120 इज नथिंग बट 6.25%, 6.25%. तो दैट इज योर ऑब्वियस आंसर. नेक्स्ट इट इज Romit sold his old TV and earned a profit of 10%. If he would have managed to sell it for rupees 8100 more, then his profit would have been by B 37%. Find the price at which he bought the TV. अभी इसको अगर आप directly solve करोगे तो बहुत लंबा है, but हमारे पास since options दिए हुए हैं, I tried to give you a solution from question to answer. Answer to question. Answer to question कैसे? एक-एक option को हम check करेंगे कौन सा है. मान के चलो पहला option देखते हैं. अगर 30,000 रुपए में उसने खरीदा था तो कितने में बेचा है, 10% प्रॉफिट में बेचा है. तो मतलब 30,000 का 10% ऐड करोगे तो आ जाएगा 30,000 प्लस 10% मीन 3,000, तो 33,000 उसका प्राइस है. बट अगर उसने 8,100 और ज़्यादा में बेचा होता तो आप ऐड करो 33,000 में 8,100, तो आ जाता है 41,100. एंड 41,100 मीन्स अ प्रॉफिट ऑफ 11,100, एंड 11,100 इज नथिंग बट 37%. तो दैट मीन्स 30,000 ही उसका कॉस्ट प्राइस है. तो हमें पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया, बट ज़रूरी नहीं है पहले में मिले, कहीं से भी मिल सकता है. तो आपको हर एक ऑप्शन को टेस्ट करना है, मे भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट ये इजी है, सिंपल तरीका है. अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इनडायरेक्टली कम टाइम में हो जाता है. तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन स्किल निकालना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं 30,000 से मेरा आंसर बहुत दूर आता तो मे भी फिर मुझे दूसरे ऑप्शन चेक करने पड़ते. तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन देखते हैं, हमें सही आंसर मिल जाता है, राइट. वन मोर क्वेश्चन. अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%. इफ द कॉस्ट प्राइस वर 10% लेस एंड द सेलिंग प्राइस 18 less, then his profit would be 15% more. Find the cost price of the article. इसमें भी हम वही रिवर्स वाला साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, हम एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं. बट यहाँ पे मैंने जो लिखा है, जो आंसर है, उस हिसाब से लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे. बट आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. और आंसर इसका डी ऑप्शन है, तो आप शायद उल्टा जाओगे, बट
उसका भी सिंपल सा तरीका है, मैं पहले जो टेस्ट करूंगा मे बी 220 से करूंगा, 220 से आंसर नहीं आएगा तो फिर मैं 400 पे आऊंगा, 430 और 450 में बाद में जाऊंगा, राइट। सो 400 से अगर हम शुरू करते हैं तो इफ़ 400 इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो है ऑब्वियसली 8% उसमें ऐड कर दो क्योंकि 8% के प्रॉफिट बेचा जा रहा है, तो 432 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है 10% कम होती, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 400 का 10% कम मतलब 360 होती, और सेलिंग प्राइस 18 रुपये कम मतलब 432 से 18 कम मतलब 414, तो प्रॉफिट कितने का होता, 15% का। क्या हो रहा है क्या, 414 माइनस 360 54 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली 15% ऑफ 360, तो दैट इज़ योर ऑब्वियस आंसर, राइट। यहाँ पर भी हम आंसर टू क्वेश्चन किया है हमने, बट ये चीज़ आप सारे ऑप्शन के साथ कर सकते हो एंड फाइनली आपको जो भी आंसर में 15% वैल्यू मिल रही है दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर वी कैन सी। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं। दो जो बेसिक कंपोनेंट्स निकल करके आते हैं इंटरेस्ट के, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों पे सवाल आते हैं। आप अगर खुशकिस्मत रहे तो आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद सिंपल इंटरेस्ट पे ही सवाल आए, बट दोनों पे आता है, तो दोनों की तैयारी हमें रखना है, दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करके चलना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। फर्क क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में चीज़ें जो है सिंपली कैलकुलेट की जाती हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, जिसका है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आर इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो द मनी बोरोड और लेट आउट फॉर अ सर्टन पीरियड इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल और द सम, इट इज डिनोटेड बाय पी। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट द बोरोवर पेज फॉर यूजिंग द लेंडर्स मनी, सिंपल इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय एस आई इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। The formula for compound interest is given below. Compound interest equals to a minus p, where a is the amount to be available at the end of. Like idea है कि compound interest का idea है कि जैसे interest पे भी interest add हो जाता है। जैसे मैंने आपको 1000 रुपये दिए 10 साल के लिए, तो 10 साल तक तो आप मुझे कोई interest नहीं दे रहे हो ना उस पर, तो 10 साल की जो like पहले साल दूसरे साल हर साल उस पर interest add हो जाएगी, compound होती जाएगी, तो उस interest पे भी मुझे अभी interest चाहिए। That is the simple concept of compound interest. तो वो calculate करने के लिए हम इस formula का use करते हैं, जहाँ पे a is the amount, तो a equals to p into 1 plus r raised to n. अपन अमाउंट मिलेगी, उसमें से अगर प्रिंसिपल आप निकाल दोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चंस हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹900 टू यील्ड ₹81 एंड एन इंटरेस्ट ऑफ 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा आइडिया है, 900 का 4.5% आप निकाल लो, आता है 40.5 रुपये, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 81, तो 2 साल में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो सिंपल सा ऑप्शन है, 1 ईयर का भी ऑप्शन हमें टेस्ट कर लिया, 2 ईयर्स में हमारा आंसर मिल गया। फाइन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6250 एट 14% पर एनम फॉर 146 डेज। ये तो और भी आसान है, 6250 पी इंटू एन, एन इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डेज, तो 146 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज जो साल में होते हैं 365 इंटू 14/100, तो हमें आंसर मिलता है 350। सिंपल, बहुत आसान है। अब इसमें दिक्कत ये है कि आपको एक्चुअली कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो थोड़ा सा जिनका कैलकुलेशन स्लो है उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कैलकुलेटर अलाउड होता तो और फास्ट होती, बट चीज़ें फिर भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। हर इंसान अलग होता है, किसी के अगर नंबर्स में कमजोरी है तो मे भी कहीं ना कहीं वो एडवांटेज होगा, बट जहाँ पे आपका एडवांटेज है वहाँ पे आपको कम टाइम लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। बट किसी को अगर नंबर्स अच्छे हैं तो मे भी कहीं ना कहीं उसकी भी दिक्कत होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं मार खाएगा। तो उस हिसाब से हर किसी को अपना अपना टाइम उस हिसाब से एलोकेट करना है, हर किसी को सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कोई किसी में अच्छा है तो कोई किसी और में अच्छा है, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम, द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर सिंपल सा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट लाइक इसका आधा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 4000, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हमें 4000 का 2 साल के लिए 10% निकालेंगे तो 840, तो सिंपल इंटरेस्ट उसका हाफ मतलब 420, 8% दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, तो रिवर्स फॉर्मूले में डालो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 420, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 420 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स वुड बी ऑन 1750, 1750 इंटू 8% इंटू 3 करोगे तो आपको 420 नजर आएगा, दैट इज व्हाट द आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट 2500 इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स एंड फर्दर टू 3000 इन अ स्पैन ऑफ 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट द सम इज। तो इसमें भी सिंपल सा है कि 2500 को 5th ईयर में करोगे एंड 3000 इन 7th ईयर। सिंपल सी चीज़ें हैं कि इन बिटवीन 2 ईयर्स 500 का वापस से इंक्रीज हुआ है, तो फॉर अ ईयर 500/2 इक्वल्स 250, 2 साल में 500 मतलब 1 साल में 250, सो पर ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 250, दैट मीन्स 1 साल का इंटरेस्ट 250 क्या होगा अमाउंट, तो आप चेक करो सारी चीज़ों के किसका इंटरेस्ट जो है 250 रुपये नज़र आता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हेंस द इनिशियल अमाउंट मस्ट बी बिटवीन, लाइक अगर इनिशियल अमाउंट जो है कहीं ना कहीं लाइक 5 साल में अगर 2500 हुआ है
तो हर साल का 250, मतलब कहीं ना कहीं ढाई शुरुआत का जो आपका अमाउंट है वो 1250, 1250 तो इंटरेस्ट है, तो 2500 में से 1250 माइनस कर दो तो 1250 आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1250 में 1250 का इंटरेस्ट तो 2500, उसमें अगेन 500 का इंटरेस्ट तो 3000। बहुत सिंपल सा सर तरीका था, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ रहा था हमें। एन अमाउंट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब ये बताया नहीं है कौन से मेथड से है, तो जब कुछ नहीं बोलता तो हम सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो भाई 100 का 200 हो रहा है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपये का, तो 100 रुपये डिवाइडेड बाई 15 कर दो, आपको ऑब्वियसली आंसर मिलेगा 6.66%, 100/15। सिंपल। बट इसी चीज़ को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करना है तो वो भी और आसान है। तो एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ट्रिक है जिसे हम रूल ऑफ 72 बोलते हैं। तो टाइम अगर आपको निकालना है तो टाइम टेकन टू डबल द अमाउंट इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। 72 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहाँ पे जैसे हम लाइक उल्टा चलते हैं, तो जैसे हमको 6 ईयर दिया हुआ है तो 12, 11, 12, 14 हर एक से करेंगे, तो 12 करोगे तो 6 आ जाता है, तो देयर फॉर द आंसर इज 12। अब जिसको 12 का टेबल आता है उसके लिए बाएँ हाथ का खेल है, ये रूल पता होना चाहिए आपको, 12 का टेबल आना चाहिए। सिंपल, राइट? यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स दैट। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज एवरेजेस। नाउ एवरेजेस में क्या होता है, एवरेज बहुत सिंपल सी चीज़ें। एवरेज में हम मीन, उसको मीन भी बोलते हैं, या लाइक टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर एवरेज, और इसी फॉर्मूले पर हमारा पूरा जो है टॉपिक बेस्ड है। सो एवरेज में हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स 5, 15, 25 and 15 मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, देन कैलकुलेट द मीन सब्जेक्ट। तो 5 सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई कितने हैं 1, 5, 15, 25, 10 and 15, तो 5 है सब्जेक्ट है, तो डिवाइड बाई 5, तो एवरेज बिकम्स 14 मार्क्स। द एवरेज एज ऑफ एज, अब ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ऐसे तो नहीं आएंगे बट ऐसे आते हैं। तो एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ इन अ क्लास इज 15 ईयर्स, एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देन द न्यू एवरेज एज बिकम 16 ईयर्स, वॉट इज द एज ऑफ टीचर। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ इन 15, लाइक टोटल इज टोटल बिकम्स नॉट 350, इट शुड बी 450 ईयर्स, सो 450, वेल एज द एवरेज एज ऑफ 31 इज 496, तो आप माइनस कर दो 496 माइनस 450, आपको ऑब्वियस डिफरेंस मिल जाएगा 46। यहाँ पे एक एरर है, जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, दिस इज नॉट 350 ईयर्स, इट शुड बी 450 ईयर्स। ओके, नाउ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5050, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 6250, एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 5200, द मंथली इनकम ऑफ ए विल बी वॉट। सो द टोटल बेसिक्स जो दिया हुआ है वो लिख लो, टोटल वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 5050 × 2, क्योंकि दो का एवरेज है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। सिमिलरली बी एंड सी का एंड सिमिलरली ए एंड सी का, अब तीनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें 2 times A + B + C मिल जाएगा। तो अब अगर हम 2 से वापस से डिवाइड करेंगे तो A + B + C का वैल्यू मिलेगा, इसमें से हमें B + C का वैल्यू पता हुआ है, तो B + C को हम रिप्लेस कर देंगे 12,500 से, तो हमें मिल जाएगा A का वैल्यू, दैट इज 4000। सिंपल। अब इस चीज़ को हम रिवर्स भी कर सकते थे, रिवर्स कैसे करेंगे आप ट्रिक बताओ कॉमेंट सेक्शन में, दैट इज व्हाट आई एम ओपन। रिवर्स करोगे तो आप और जल्दी कर सकते हो। अब एवरेजेस तक, यहाँ तक हमारा एक्चुअली टॉपिक में जो चीज़ें दी हुई हैं खत्म हो गई, बट सवाल पूछे जाते हैं कैलेंडर क्वेश्चंस में भी। अब कैलेंडर भी नंबर से रिलेटेड है, इसलिए हमने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में डाल दिए। कैलेंडर पे भी कुछ सवाल आते हैं, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑड डेज क्या होते हैं। सो इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स इज कॉल्ड एज ऑड डेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 दिन है, तो 8 में से वीक आपका 7 दिन का है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, दैट इज ऑड डे। लीप ईयर, अ लीप ईयर हैज 365, लीप ईयर है, लीप ईयर हैज 366 डेज, एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, इट इज नॉट अ सेंचुरी, ओनली एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज अ लीप ईयर। इसके अलावा जो चीज़ें बच जाती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज। ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन है जो हम समझते हैं। सो ऑन जनवरी लाइक जो फर्स्ट डे है दैट इज एज्यूम टू बी अ मंडे, तो 1 ordinary year इक्वल्स टू 365 days इक्वल्स टू 52 weeks प्लस 1 extra day, दैट 1 extra day इज काउंटेड एज ऑड डे। 1 leap year विल हैव 366 days, दैट मीन्स 52 weeks प्लस 2 extra days। 1 leap year हैज 2 odd days, सो 100 years हैव 76 ordinary days प्लस 24 leap years, तो 76 ordinary years के 76 odd days एंड 24 leap years के 24 × 2 odd days, तो टोटल 124 odd days। तो 124 odd days आर नथिंग बट 17 weeks प्लस 5 days, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली 5 odd days। सो ये हमें एक सेंचुरी में 5 odd days निकल करके आते हैं, राइट? एक नॉर्मल ईयर में 1 odd day, एक लीप ईयर में 2 odd day एंड एक सेंचुरी में 5 odd days होते हैं, दैट इज़ वॉट वी नीड टू रिमेंबर। एंड इफ इट इज़ अ 4th सेंचुरी तो अगेन नंबर्स वुड चेंज। वॉट वॉज, अब ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, आई एम नॉट पुटिंग इट फ्रॉम माई साइड और नॉट फ्रॉम द इंटरनेट, बट ये एग्जाम का सवाल है, जून 2009 का सवाल है। वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन January 1, 2001? तो उसके लिए सिंपल सा है कि भाई आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि हम मान के चलते हैं
बाय द एंड ऑफ सेंचुरी जो होता है, कहीं ना कहीं हम सारे एक्स्ट्रा डेज खत्म हो जाते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेंचुरी स्टार्ट्स विद अ मंडे. सो हम पकड़ के चलते हैं कि इट मीन्स दैट द लास्ट डे ऑफ 2000 वाज लाइक लास्ट बिगिनिंग विद ऑलवेज बी 2001 इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सेंचुरी. तो हम उसको मंडे से कंसिडर कर लेते हैं. जनवरी 1 1995 वाज अ संडे, व्हाट वुड बी द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1996. ये मुझे पता है संडे है तो अगला दिन जो है कहीं ना कहीं मंडे होगा, बट इसमें हमें लीप ईयर का ध्यान रखना है. बट लीप ईयर जो होता है वो फेब में आता है, उसका डिफरेंस. फेब के बाद वाले डेज एक दिन से डिले होंगे, बट फेब से पहले है तो देर वॉन्ट बी एनी डिले. सो देर इज एन इंक्रीज ऑफ वन डे, क्योंकि वन ऑड डे होता है. बट अगर ये लीप ईयर होता तो टू ऑड डे, बट टू ऑड डे विल टेक लाइक इट हैपन आफ्टर फेब्रुवरी. तो फेब्रुवरी के बाद वाले डेट्स में दो ऑड डेज, सिंस जनवरी हैज नो इफेक्ट ऑफ ऑड डेज, सो इट इज ओनली वन एक्स्ट्रा डे, इट अगेन बिकम्स मंडे. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2009. इसके अलावा एक और छोटा सा चीज़ है, वेन डायग्राम्स. अब वेन डायग्राम्स नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि वेन डायग्राम्स एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं. तो वेन डायग्राम में हम चीज़ों को कुछ तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो अलग अलग वेन डायग्राम. कुछ चीज़ें हैं जिनका कुछ रिलेशनशिप है, एक बड़ा सा सेट है उसके अंदर दो सबसेट है, जैसे मैमल्स है, मैमल्स के अंदर काउ एंड हॉर्स दोनों आ जाते हैं. तो मैमल्स को एक बड़ा डायग्राम, उसके अंदर दो छोटे छोटे डायग्राम में काउ एंड हॉर्स को दे दिया हमने. उसके अलावा जैसे आप एक बड़ा, जैसे एनिमल किंगडम एक बड़ा सेट है, उसके अंदर फिर मैमल्स का एक सेट है, उसके अंदर काउज का एक सेट है. तो ऐसे कुछ हम डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. अब जैसे दो आपस में रिलेटेड हैं, जैसे कहीं ना कहीं मैन एक बड़ा सेट है, उसके अंदर फादर एंड ब्रदर दो सेट हैं, बट दोनों रिलेटेड है, दोनों कॉमन है, तो वो हम कर सकते हैं. तो ऐसे करके हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट दिस इज़ नॉट ऑल, और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं, वेन डायग्राम हम डिटेल में देखेंगे अगले टॉपिक में, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग. बट फिलहाल के लिए दिस इज़ वॉट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड, तो हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अब अगर आपने यहाँ तक देखा, दैट मीन समथिंग समवेयर यू आर इंटरेस्टेड, यू आर हुक्ड बाय समथिंग. तो अगर आपने देखा है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज. धीरे धीरे आपको सारा यूजीसी नेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स कवर होते हुए नजर आएगा इसी चैनल पर. राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.